जयपुर एडीसीपी नॉर्थ धर्मेंद्र सागर की मेहनत लाई रंग। ज्वेलरी व्यापारी से 50 लाख के आभूषण लूट का सरगना गिरफ्तार। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी सुनील सोनी को गिरफ्तार किया है। सुनील के साथ दो अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से लूट के पैसे में खरीदी थार जीप बरामद हुई है। 5 लाख रुपए की जीप की कीमत है। 150 ग्राम सोना, 4 किलो की चांदी की सिल्लियां भी बरामद की गई हैं। तो वहीं लूट के आभूषण की बिक्री के 6,25,000 की नकदी भी बरामद हुई है। आरोपियों में लूट के आभूषण खरीदने वाला शेखर अग्रवाल भी शामिल। वैशाली नगर में सुरंग बनाकर चांदी चुराने के प्रकरण में भी शेखर गिरफ्तार हुआ था और अब विद्याधर नगर थाना पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। तो पुलिस की ये मेहनत रंग लाई है और अब बदमाशों को पकड़ लिया गया है। जयपुर एडीसीपी नॉर्थ धर्मेंद्र सागर की ये मेहनत जो रंग लाई। ज्वेलरी व्यापारी से 50 लाख के आभूषण लूट का सरगना गिरफ्तार किया गया है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी सुनील सोनी को गिरफ्तार कर दिया। सुनील के साथ दो अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से लूट के पैसों से खरीदी थार जीप भी बरामद हुई है। 5 लाख रुपए है जीप की कीमत। 150 ग्राम सोना, 4 किलो की चांदी की सिल्लियां और लूट के आभूषण की बिक्री के 6,25,000 की नकदी बरामद हुई है। आरोपियों में लूट के आभूषण खरीदने वाला शेखर अग्रवाल भी शामिल है। वैशाली नगर में सुरंग बनाकर चांदी चुराने के प्रकरण में भी शेखर गिरफ्तार हुआ था और अब विद्याधर नगर थाना पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है।